नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। जाने क्या हो अब आगे रे। नौनिहालों के लिए डिवाइन सैपलिंग ई समर कैंप का आयोजन। शिक्षाप्रद और मनोरंजक समर कैंप में देश भर से कई बच्चे शामिल। संस्था के शिक्षा प्रभाग का आयोजन। ओपन दी हार्ट लव फॉर नेचर विषय पर पुणे के जगदम्बा भवन से आयोजित हुई ऑनलाइन टॉक। बुद्धिजीवियों एवं पर्यावरणविदों ने प्रकृति को बचाने का किया आह्वान। योग की जागरूकता के लिए बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र का ऑनलाइन प्रयास। योग और राजयोग के समन्वय को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का बताया माध्यम। और आखिर में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आध्यात्मिकता के पथ को प्रदर्शित करने तैयार हुआ ब्रह्म कुमारीज का ओम शांति विलेज। देश विदेश से कई प्रख्यात हस्तियों ने दी अपनी शुभकामनाएं। ब्रह्मकुमारी संस्था के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के शिक्षा प्रभाग द्वारा 14 से 18 साल के बच्चों के लिए सैपलिंग ऑफ डिवाइन विषय पर आयोजित समर कैंप के समापन सत्र में शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय, ब्रह्मकुमारी सेंट पीटर्सबर्ग की प्रभारी बीके संतोष, फिल्म अभिनेता कीकू शारदा, वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान बीके मृत्युंजय ने कहा कि बच्चों का विकास ही देश का विकास है। ऑनलाइन सत्र से बच्चों ने अपना पूरा समय अपने विकास पर लगाया है, इससे उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा। सदा हंसते रहना, चेयरफुल रहना, पीसफुल रहना, ब्लिसफुल रहना, आनंदमय जीवन जीना, आपको देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिले, ऐसे जीवन जीने के लिए आप सबको केवल एक ही काम करना, योग सीखना, मेडिटेशन सीखना, पॉजिटिव सोचना। मैंने हमेशा पॉजिटिव साइड पे फोकस किया कि अगर ये नहीं हो पाया तो कैसे करना चाहिए। या फॉर एग्जांपल जब मैं डोरेमोन की वॉइस 2018 में मुझे छोड़ना पड़ा डोरेमोन, तो उस वक्त भी वो भी एक तरह से बहुत ही सैड फेस था मेरे लिए, लेकिन हर चीज मैनेज हो जाती है, आपको बस पॉजिटिव रहने की जरूरत है। इसके साथ ही टीवी एवं फिल्म अभिनेता कीकू शारदा ने कहा कि जिस दिन प्रत्येक माँ बाप बच्चों के जीवन में श्रेष्ठता के लिए गंभीर हो जाएंगे, उस दिन से ही समाज का रूप बदलने लगेगा। साथ ही बीके संतोष ने भी अपनी शुभकामनाएं रखी। कॉमेडी को समझने के लिए या जानने के लिए या करने के लिए भी आपको लाइफ भी थोड़े एक लाइटर नोट पे ही जीनी है। बहुत ज्यादा आप अपने लाइफ को सीरियसली लोगे तो आप हल्की फुल्की बातों को मिस कर जाओगे और ये फनी चीजों को आप मिस कर जाओगे। इन आर्टिस्ट ने दोनों ने कौन सी अंडरलाइन की, कौन ये कि नेचुरल रहना है। हम कोई भी काम को जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं तो हमारी कला विकसित नहीं होती। ये हमारे पास शरीर है और कुछ भी हम अगर करना चाहें कर सकते हैं। एक नेचुरल इजी लाइट मूड हमेशा, लेकिन कोई भी काम करें उसको डिटर्मिनेशन से करें। इसके साथ ही नौनिहालों के लिए गायन प्रतियोगिता, खेलकूद, पेंटिंग, कैमरा की हैंडलिंग, मैं हूँ राजा आदि विभिन्न विषयों पर प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शीलू, अमेरिका के बीके राम प्रकाश तथा बीके स्वामीनाथन ने भी बच्चों का उत्साह वर्धन किया। And that is what the topic is all about, yours. Shine the light within. अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओपन द हार्ट लव फॉर नेचर विषय को लेकर एक ऑनलाइन टॉक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर से संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रम में बीके युवा प्रतिनिधि ब्रह्म कुमार शांतनु, सेंटर फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज की प्रोग्राम डायरेक्टर प्रजना कौवेरी, रुचि बायोकेमिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर बीके महेंद्र शामिल हुए। यह ऑनलाइन टॉक पुणे के पिसोली स्थित जगदम्बा भवन मेडिटेशन एंड रिसर्च सेंटर द्वारा युवा प्रभाग की पहल वैश्विक शांति के लिए युवा के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने आयोजित विषय को लेकर युवाओं को प्रेरित किया। When we look at our parents, we know we are their children, but when we look at earth, we feel somehow there is this disconnect.
यू नो द हार्ट इज नॉट ओपन, और इवन इफ इट्स ओपन इट्स लाइक वो सेव करना है यू नो इन सम वे, बट वो प्योर प्यार वी नो कि नेचर से हमें प्यार आ रहा है, पर हमें नेचर के प्रति प्यार जेन्युइन, मतलब नॉट जस्ट सेवियर बट जेन्युइन प्यार आने के लिए वी नीड टू रियली लुक एट व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद नेचर. एंड इट्स आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग वेरी न्यू, बट दीज आर डायमेंशंस दैट वी डोंट कॉन्शियसली थिंक अबाउट. मेरा मन जनरली किस प्रकार के विचारों से भरा हुआ है, कैसा बना हुआ है, so that consciousness, if that is changed and if there is an effort or an engagement which is aligned to that consciousness, then hanging phase nahi rahega, ye jhulne wali paristhiti nahi rahegi. to agar aantrik parivartan ho chuka hai aur action engagement mein wo parivartan translate ho chuka hai, to hum jhulenge nahi, hum us jhulne wali paristhiti ya hanging situation se hum bahar aa jayenge. so what we need is definitely consciousness. जब आप नया करेंगे, so there are chances of rejection. If the rejection is coming from the market, that means you are doing something new. तो ऐसे नए चीजों को कि confidence के साथ काम करें, और ये confidence आता है जब हमारे हर कार्य में सकारात्मकता है, और ये सकारात्मक सोच meditation से आती है. कोविड 19 संक्रमण के प्रभाव को कम करने एवं आम जनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग एक शक्तिशाली माध्यम है. 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सभी जागरूक हो यह जरूरी है, लेकिन पूरा जीवन स्वस्थ रहने के लिए योग की जागरूकता के साथ नियमितता भी जरूरी है. इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक ऑनलाइन योग शिविर प्रारंभ किया गया है. वर्चुअल योगाभ्यास एवं योग परामर्श कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत योग आयोग से प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक बीके गायत्री व अन्य ट्रेनर्स के द्वारा योगाभ्यास कराया जा रहा है. इस पर अधिक जानकारी देते हुए बीके मंजू ने बताया कि जीवन का आनंद लेने के लिए तन के साथ मन का सशक्तिकरण भी आवश्यक है. आसन प्राणायाम प्राकृतिक चिकित्सा तन को सशक्त बनाते हैं, लेकिन किसी का मन ही ठीक नहीं है तो चाहे वो कितना भी प्राणायाम करे, आसन करे, प्राकृतिक चिकित्सा करे, हमेशा अगर किसी के नेगेटिव थॉट ही चलते हैं तो कई बार उसका असर नहीं हो पाता. इसीलिए हमारे योग गुरु भी इस बात को कहते हैं कि जब आप प्राणायाम करते हो तो मन में अच्छे विचार लें. हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के लिए ब्रह्मकुमारी संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग की ओर से तनाव मुक्त तथा राजयोग सत्र का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके संतोष ने कहा कि राजयोग जीवन जीने की कला का नाम है. यदि हम अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करेंगे तो जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा. फ्यूचर पास्ट, ये दोनों, फ्यूचर आया नहीं और पास्ट दोबारा आएगा नहीं, तो ये दोनों एनर्जी लेने वाले संकल्प है, उसकी क्वांटिटी को कम करना ही मेडिटेशन कहलाता है. मतलब राजयोग, मैं राजा हूँ और मेरा ये जो राज्य है मुझे ऐसे चलाना है जो मैं अपने खजानों को खत्म नहीं कर दूँ. खजाने खत्म हो जाएंगे तो फिर राजा की बात मानेगा कौन. इसके साथ ही माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूर्य ने कहा कि मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति का आधार ही आत्मज्ञान और आत्मज्ञान राजयोग से मिलता है. तो हम सभी स्वीकार करें, बहुत खुश रहना सीखें, अपने परिवारों में आप प्यार और खुशी की गंगा बहाना, छोटी बातों को तूल नहीं देना. ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर हैदराबाद की ओर से उपचार में स्व की करुणा विषय पर ऑनलाइन प्रेरणादायी वार्तालाप का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुंबई की मोटिवेशनल स्पीकर बीके रितु ठक्कर ने कहा कि खुद पर दया करने से ही कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है. इसलिए दया भाव अपने अंदर ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का विकास करे, जिससे कंपैशन का भाव विकसित होता है. Create right thoughts saying that I am fine, I am comfortable, I am happy, you know, create these positive thoughts. You will see that your feelings are changing and you start feeling light. कार्यक्रम के अंत में सहभागी लोगों को कुछ समय के लिए ईश्वरानुभूति कराई गई तथा जीवन में राजयोग अपनाने की सलाह भी दी गई.
यूपी के पूरनपुर द्वारा डिवाइन सैपलिंग ई समर कैंप का आगाज किया गया, जिसमें अमेरिका से डॉक्टर राजेश एवं डॉक्टर किरण अग्रवाल ने विशेष रूप से सहभागिता कर बड़ी संख्या में बच्चों को संबोधित किया और सामाजिक कार्यों, मानसिक स्थिरता, विश्व पर्यावरण आदि गहन विषयों पर प्रेरित कर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीमा ने बच्चों के लिए कला एवं शिल्प, नृत्य, संगीत और स्वस्थ जीवन के लिए ध्यान, महत्व जैसी ऑनलाइन गतिविधियों का भी आयोजन किया। वहीं दूसरी ओर ऐसे ब्रह्मा कुमारी पूरनपुर सेवा केंद्र को नारी शक्ति क्लब की ओर से समाज कल्याण तथा उनकी सामाजिक कार्य गतिविधियों के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश में पहली खबर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की है, जहां ब्रह्मा कुमारीज के नवनिर्मित भवन ओम शांति विलेज का विधिवत शुभारंभ किया गया। 7 एकड़ में बने इस विशाल सेंटर का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिकता द्वारा जनमानस का नैतिक उत्थान करना है। इस कार्यक्रम में आगे ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ बीके मोहिनी ने न्यूयॉर्क से आध्यात्मिकता की राह को पथ प्रदर्शित करने वाले इस लाइट हाउस रूपी भवन प्रति अपने आशीर्वचन दिए। Our upliftment personal is not just for me, but it's a contribution towards transformation of the world. We sow the seeds of peace and happiness, sharing care, love, generosity, and with these all qualities, we think of souls of the world. Entire humanity, so that there can be the world of peace and happiness. इस भवन के होम वार्मिंग सेलिब्रेशन में मुख्य अतिथियों में एक्टिविस्ट मैरियन विलियमसन, प्रख्यात लेखिका कैरोलिन मीस, इन्फोस्पेस के संस्थापक नवीन जैन, बिशप कार्टलन पियर्सन समेत कई वक्ताओं ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने अपने विचार रखे, साथ ही सभी का आभार व्यक्त किया। इस प्रोग्राम में आगे प्रख्यात कलाकार ईवी हिल्टन एवं क्रिस्टीन हॉफमैन ने अपनी सुंदर कला का प्रदर्शन करते हुए सभी को आंतरिक सुख शांति का अनुभव कराया। इस उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी संस्था के गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल ने वीडियो के माध्यम से भी अपनी शुभकामनाएं दी। When we keep a big heart, service automatically happens. This is natural law. You have taken one step in the right direction, and it's with Almighty Baba to take you all the way ahead. रशिया में मॉस्को स्थित ब्रह्मा कुमारीज के द लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर द्वारा विशेष इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में योगा एंड क्रिएटिविटी थीम पर प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के जुड़े सदस्यों ने राजयोग ध्यान, उसके विविध फायदे और जीवन में उससे आने वाली रचनात्मकता को सभी के साथ साझा किया। इस प्रोग्राम में मुख्य वक्ता रहे लैंग्वेज टीचर एलेना टिटोवा, सर्गेई कुर्गानोव, वायलिन वादक जूलिया सबितोवा एवं मॉडरेटर माया गुमाबाएवा, जिन्होंने थीम से जुड़े कई गहन मुद्दों पर चर्चा की। अगली खबर वेमले के इनर स्पेस सेंटर की है, जहां नेचर एंड नर्चर विषय के तहत ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया। इस सेशन को संबोधित करने के लिए विशेष विश्व प्रख्यात ऑथर एवं ब्रह्मा कुमारीज के प्रैक्टिशनर माइक जॉर्ज को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने किस तरह प्रकृति हमारी सेवा करती है एवं हमें कैसे उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए, इस पर चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Some people say, I am depressed. And so that in that moment, it's like they're losing themselves and identifying themselves with their depression. It's just a habit to create it. And so once you recognize that depression is present, yeah, then you recognize there's me and there's the depression. Oh, there's depression here. It's not what I am. Yes, I feel it. I can touch it. I feel it. But let me come away. And so the coming away from the feeling of depression is called detached observation. It's just watching it. And if you watch anger, depression, sadness, fear,
then if you're watching, that means you're separating yourself from it. You're not really, because it's all happening in your consciousness, but your awareness, you're becoming keenly aware of it. And if you keep coming away from it, it will die. It will subside. It will go away eventually. You might have to practice a little patience, but it will. All emotion dies under observation. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।